यूपीआई है क्या, क्या आप जानते हैं? सर एक बैंकिंग सिस्टम है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यूपीआई क्या है? एक बैंकिंग सिस्टम है जिससे हम लेन देन पैसा कर सकते हैं। ये क्या होता है? NPCI से कनेक्ट होता है, जो जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। मैं वाला होंगे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, UPI एंड GST एंड नोटबंदी कब हुई थी। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट है एंड आई एम ट्रेनर ऑफ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट एंड आई एम टीचिंग कंप्यूटर ADC DCA DF एंड TEL। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आज मैं सवाल पूछने वाला हूँ। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि आज बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप लोग को। तो नीरज, तो आप बता दीजिए RBI और SBI में क्या अंतर है? सर RBI एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह एक केंद्रीय बैंक है जिसमें पैसा छपता है, ना कि इसमें हम खाता खुलवा सकते हैं। और SBI एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसमें हम खाता खुलवा सकते हैं और पैसा लेन देन कर सकते हैं। एक्सीलेंट, सुपर। तो RBI और SBI में क्या अंतर है गाइस? RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक केंद्रीय बैंक है जिसमें हम खाता नहीं खुलवा सकते, यहाँ पर क्या होता है पैसा छपता है। और SBI क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ से हम पैसा लेन देन कर सकते हैं, जिसमें हम खाता खुलवा सकते हैं। ऑलराइट, गॉट इट। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं, जैसे RBI के गवर्नर कौन है, क्या आप जानते हैं? शक्तिकांत दास। तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और किस नंबर पे है? 25वें नंबर के हैं और ये 2024 तक रहेंगे। क्लियर हो गया? RBI, SBI और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, तो चलिए आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे UPI नाम सुने, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वेरी गुड। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या आपको पता है कि ये शुरुआत कब हुआ था? 11 अप्रैल 2016 को ये क्या हुआ था? UPI लॉन्च हुआ था। UPI किसके द्वारा कनेक्ट है या किसके द्वारा? NPCI। क्या आपको पता है NPCI फुल फॉर्म? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। जो UPI होता है, UPI है क्या, क्या आप जानते हैं? सर एक बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। UPI क्या है? एक बैंकिंग सिस्टम है जिससे हम लेन देन पैसा कर सकते हैं। ये क्या होता है? NPCI से कनेक्ट होता है, जो जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। तो UPI कब शुरुआत हुआ था आप बताएं? 11 अप्रैल 2016 को। चलिए इनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। तो आपसे सवाल पूछने वाले हैं, सबसे पहले आप बता दीजिए GST का फुल फॉर्म क्या होता है? सर GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु और सेवा कर। ऑलराइट, तो क्या आप जानते हैं GST की शुरुआत कब हुई थी, स्टार्ट कब हुआ था? यस सर, आई नो सर, 1 जुलाई 2017 को। वेरी गुड, 1 जुलाई 2017 को GST चालू हुआ था। आज बात कर लेते हैं, जैसे PM प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आपसे बात कर लेते हैं कि जो GST तो चालू किए थे, 500 और 1000 की नोट कब बंद किए थे? सर 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को, वेरी गुड। तो ये सब आप लोग को पता है। ऑलराइट, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? आई एम सर गुड। यू आर फीलिंग गुड? फीलिंग गुड। ऑलराइट, तो अच्छा सिखाया जाता है? ओके, चलो वेरी गुड, फैबुलस। तो क्या आप जानते हैं RBI का मतलब मुख्यालय कहाँ है? यस, मुख्यालय सर मुंबई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अगले वीडियो मिलेंगे और कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके। तो से टू, बाय बाय।